अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू नॉलेज इन। मैं हूँ अली बलोच, यूज़ पाकिस्तान काउंसिल ऑफ एथेस्टिक एंड टाउन प्लानर्स में जो जॉब्स आए हैं, अनाउंस किए गए हैं, इन जॉब्स की जो है मुकम्मल डिटेल में आपके साथ आज शेयर करूँगा। साथ ही साथ मैं आपको बताता चलूँ कि हम जॉब्स की जो है प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं और साथ में जॉब्स की इंफॉर्मेशन और बायोडाटा कैसे ऑनलाइन फॉर्म फिल करें वो भी हम बताते जा रहे हैं। इसलिए आपको रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाने से ना भूलिए, ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन, हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान काउंसिल में जो जॉब्स अनाउंस किए गए हैं वो पाकिस्तान काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर्स एंड टाउन प्लानर्स इज़ अ गवर्नमेंट रेगुलर बॉडी फॉर द रेगुलेशन ऑफ आर्किटेक्चर एंड टाउन प्लानिंग परफॉर्मेंस इन द कंट्री। ये जो कंट्री में ये जॉब्स अनाउंस किए गए हैं, इनकी जो जॉब्स की जो डिस्क्रिप्शन है, ये जो जॉब्स की जो क्वालिफिकेशन है वो मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ। एक है डिप्टी रजिस्टर, इन वन नंबर वन जॉब है। डिप्टी रजिस्टर के लिए आपके पास है जो है मास्टर्स की डिग्री जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल साइंस में होना ज़रूरी है, जो कि है के रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से हो। उसके बाद है मस्ट हैव 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, आपके पास जो है 10 साल का इस फील्ड में जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। और उनके साथ साथ आपके पास जो है स्ट्रॉन्ग एंड डायनामिक पर्सनैलिटी, आपका पर्सनैलिटी भी जो है सबसे अच्छा होनी चाहिए, और आपकी जो है क्रिएटिव एंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, आपके पास जो है क्रिएटिव आप होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपके पास जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग होना आपके पास ज़रूरी हो। और मस्ट हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, रिसर्च एंड रिपोर्ट राइटिंग, आपके पास जो है रिसर्च करना या रिपोर्टिंग की राइटिंग करना वो जो है आपके पास कम्युनिकेशन या स्किल्स जो है होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आपके पास मस्ट हैव एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, आपके पास एक्सीलेंट इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भी होना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ आप उर्दू और इंग्लिश लैंग्वेज, ये दोनों ज़बान में आपको बात करनी आना ज़रूरी है। और आपको पास जो है एमएस ऑफिस, यानी इसकी एमएस ऑफिस की आपके पास जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। और आप जो है ट्रैवल करें और एनीवेयर पाकिस्तान फिर रिक्वायर्ड, जहां भी ट्रैवल करने की ज़रूरत पड़े तो फिर आप उनसे ट्रैवल करने से ना घबराएं, और खुशी खुशी से वो आप ट्रैवल भी कर सकेंगे। अगर आपके पास ये क्वालिटी हैं तो फिर आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हैं। और टास्क टू हैंडल जो हैं वो कौन कौन से टास्क हैंडल आपके पास देंगे, फैकल्टी इन फंक्शन ऑफिस प्रोड्यूसर्स ये आपको होगा, और कोऑर्डिनेटिंग विद द रजिस्टर टू द रेक्टिफाई वर्किंग गैप्स, ये सारे के सारे जो टास्क हैं वो आपको वो टास्क मिल जाएंगे। उसके बाद है असिस्टेंट रजिस्टर, इस जॉब के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं असिस्टेंट रजिस्टर के लिए। इसके लिए आपके पास जो है मास्टर्स की डिग्री होना ज़रूरी हो, वो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशल साइंस है के रिकग्नाइज्ड है। आपके पास जो है 5 ईयर्स की जो है एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ठीक है सर, ये जो दिए गए टास्क हैं ये टास्क आपको दिए जाएंगे और इन पर आपको जो है वो अमल भी कर देनी है। उसके बाद जो नेक्स्ट जॉब है वो है ग्राफिक डिज़ाइनर से, ये जॉब जो है आपको भी आपके लिए जॉब है ये भी, और ये डेस्कटॉप पब्लिशिंग एंड ग्राफिक्स में आपको काम करना है। इसके लिए आपके पास बैचलर्स की जो है डिग्री होना ज़रूरी हो, ग्राफिक्स या कम्युनिकेशन डिग्री, कम्युनिकेशन डिज़ाइन फ्रॉम हेके रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। आपके पास शुड बी क्रिएटिव एंड है प्रॉब्लम सॉल्विंग आपके पास होना ज़रूरी है। और इसके साथ साथ इसमें जो है एक्सपीरियंस की जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है, पर एक बात ज़रूर ध्यान में रखें कि आपके पास इंग्लिश और उर्दू लैंग्वेज में जो है कम्युनिकेशन होना आपके पास ज़रूरी है। और इनमें जो है नॉलेज आपके पास एडोब फोटोशॉप, एडोब इलस्ट्रेटर, कैरोबल ड्रा ईटीसी मस्ट, यानी एडोब जो फोटोशॉप है उसमें आपके पास जो है नॉलेज होना ज़रूरी है। ये सारे के सारे टास्क हैं जो कि ये टास्क आपको दिए जाएंगे इसी जॉब्स में।
उसके बाद है सर कोऑर्डिनेटर की जॉब्स। ये जो है कोऑर्डिनेटर में आपके पास जो है ये सोशल साइंस की डिग्री होना ज़रूरी है, और उसके साथ ही साथ आपके पास 10 ईयर्स की जो है क्वालिफिक यानी एक्सपीरियंस वो होना ज़रूरी है, और उसके साथ साथ आपके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज है आपको जो है वो कम्युनिकेशन आपके पास होना ज़रूरी है, और कंप्यूटर का हाउ नो नॉलेज भी आपके पास होना ज़रूरी है। ठीक है सर, और ये जो टास्क हैं आपको ये टास्क दिए जाएंगे। अगर इन जॉब्स के लिए आप एलिजिबल हैं तो फिर आप 5 सितंबर 2022 तक जो है आप अपना जो रिज्यूम है रिज्यूम कहलाएं, या आप अपना जो है CV है वो आप इस ईमेल एड्रेस पे सेंड कर सकते हैं। ये ईमेल एड्रेस मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए, आप वहाँ से भी उठा सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले हर वीडियोस आपके पास आ सकें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।